हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पाइथन प्रोग्राम सीरीज़। मेरा नाम है मुकुल सैनी और आप देख रहे हैं लर्न इन ओनो। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हम अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम प्रिसिजन हैंडलिंग की हेल्प से अपने आउटपुट में जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ कमेंट्स दे रखी हैं, जिसमें हमने पहली कमेंट दे रखी है हमारे जो पाइथन प्रोग्राम है उसका नाम पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। रेडियस है यहाँ पे, जो हम रेडियस को अपने प्रोग्राम के अंदर डिनोट करेंगे वो करेंगे स्मॉल आर से। जो एरिया ऑफ सर्कल होगा उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और जो हमारे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई इंटू आर, और ये जो ये है ये हमारा पावर ऑपरेटर है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं हमारे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा पावर ऑपरेटर होता है, और टू। तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पाई जो कि एक कॉन्स्टेंट होता है, आर जो कि रेडियस होगी वो आपकी कुछ भी हो सकती है, वो आपका कोई इंटीजर नंबर भी हो सकता है, आपका कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेडियस लेंगे। रेडियस में हम क्या लेंगे, इनपुट में हम यहाँ पे दे देते हैं एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और हम ये जानते हैं, हमने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही बताया था, जो हमारा पाइथन में जब हम इनपुट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एज एन स्ट्रिंग आपके इनपुट को लेता है। तो हम यहाँ पे पहले ही फ्लोट, हम यहाँ पे जो अपने हम जो यहाँ पे अपना इनपुट लेंगे उसको हम फ्लोट में लेंगे, ताकि आपकी वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सके, चाहे वो फिर आपकी इंटीजर हो या फिर आपकी फ्लोट हो। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो हम पाई, क्योंकि पाई हमारा कॉन्स्टेंट है तो और जो उसकी वैल्यू होती है वो 3.14, तो हम इसको यहाँ पे एक पाई नाम के वेरिएबल के अंदर इसको ले लेंगे 3.14 इसकी वैल्यू को। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल ए एरिया ऑफ अ सर्कल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने जो रिज़ल्ट होगा उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट में क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, क्या जो हमने कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट कर हमारा जो आउट जो हमारा रिजल्ट है वो किस में आएगा, वो हमारा कैपिटल ए नाम के वेरिएबल में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल ए। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो कितना है, ए क्या होगा, जो भी हम अपने आर की रेडियस की वैल्यू देंगे, और पाई 3.14 जो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा ए में चला जाएगा और ए हमारा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो अब एक बार हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और यहाँ पे इनपुट दे देते हैं एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 10। तो आप देख सकते हैं 314.0, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक मैथ एक तरीका इनपुट लेने का। अब हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे। हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्या, अब हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने कोड को थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा ये
ये यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है ये है, और हम यहाँ पे ए की जगह, क्योंकि हमने जो ये हमारा जो यहाँ से आउटपुट आएगा, जो ये हमारे इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हमने ए वेरिएबल में ले लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ए में इसको न पुट करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके हम इस ए की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा कि प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो ये है ये लाइन हमारी यहाँ पे कोड की बच गई, तो जिससे हमारा क्या होगा, पहले हमारा जो कोड था वो कितनी लाइंस में आ रहा था, वो हमारा 4 लाइंस में था, अब हमारा कोड जो है वो सिर्फ 1, 2, 3, अब हमारा कोड जो है वो सिर्फ 3 लाइंस में हो गया, जिसमें हमने एक में हमने इनपुट ली है, सेकेंड लाइन में हमने जो हमारा कॉन्स्टेंट था उस वैल्यू को लिया और थर्ड लाइन में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर इसको रन करते हैं, अब देखते हैं आउटपुट हमारा सही आएगा क्या। तो हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं 1, 2, 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो हमने इनपुट दी है वो हमने 1, 2, 5 दी है, जो कि बेसिकली इंटीजर है, और हमारा जो आउटपुट है वो हमें फ्लोट वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पाई की वैल्यू ली है वो हमारा फ्लोट वैल्यू है, और यहाँ पे जो जब इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तो ए हमारा ऑटोमेटिकली ही हमें फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं, अब मैं एक बार इसको फर्दर रन करता हूँ और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो दे देता हूँ 10.54862। मैंने इसकी ये इनपुट दे दिया, अब मैं क्या करता हूँ इसके आउटपुट को चेक करता हूँ। तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसमें 349 पॉइंट ये बहुत लंबी जो है डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें अपना जो आउटपुट है हमें सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कहाँ तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक या फिर 3 डेसिमल पॉइंट तक। हम मान के चलिए कि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारा लिखा गया है कि जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो आपका रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट तो इनपुट तो हम वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं और वो हर एक इनपुट के लिए वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आपके इनपुट में वेरिएशन कर दें और उस हिसाब से अपने आउटपुट को लाए। इनपुट चाहे आपका कितने ही डेसिमल पॉइंट्स में हो लेकिन आपका जो आउटपुट है वो आपका सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिसीजन हैंडलिंग। प्रिसीजन हैंडलिंग क्या होता है, प्रिसीजन हैंडलिंग में आपके कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से मैं आपको एक मेथड बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप बड़ी ईजिली अपने जो आउटपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और जो पूरा प्रिसीजन हैंडलिंग है उसके ऊपर हम अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, आप उसमें उसको आसानी से समझ सकते हैं, अदरवाइज़ ये ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट, मैं इसको यहाँ से पहले इसको कमेंट, हम यहाँ पे दोनों के आंसर मैच करेंगे, हम यहाँ पे दोनों के आंसर देखेंगे कि दोनों के आंसर में क्या वेरिएशन है, क्या चेंजेस दोनों के आंसर में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट डबल कोट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ 0.2f, तो परसेंटेज ऑफ 0.2f। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि परसेंटेज 0.2f, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, f यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू। ये जो 2 आपकी वैल्यू है ये यहाँ पे डिसाइड करेगी कि आप कितने पॉइंट्स तक अपने आंसर्स को चाहते हैं, कितने डेसिमल पॉइंट्स तक अपने आंसर को चाहते हैं। अगर आप इसको 2 को यहाँ से हटाकर 1 कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट तक आपके आंसर को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। और यहाँ पे इसके एंड में परसेंटेज, और यहाँ पे क्या करना था हमको, हमारा आउटपुट क्या था, जो कि ये था। अब हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना कोई भी लेंथी इनपुट देते हैं जिसमें काफ़ी सारे डेसिमल पॉइंट्स हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1, 2, 5.55632।
आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये इनपुट दे दिया है और मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले फॉर्मूले से, जो हमारा पहला प्रिंट फंक्शन है उसके हेल्प से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा ये आउटपुट आ रहा है। लेकिन हमारा जो हमने ये प्रिसिजन हैंडलिंग मेथड यूज़ किया, प्रिसिजन हैंडलिंग हम के थ्रू हमने जो ये अपना प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई किया, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है और वो सिर्फ पॉइंट के दो डिजिट तक ही, पॉइंट के बाद दो डेसिमल पॉइंट्स तक ही हमारा आउटपुट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक। अब यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, अगर आपको 3 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए तो आप यहाँ पे इसको 2 को 3 कर दीजिए, 1 तक चाहिए तो आप इसको 1 कर दीजिए। सो गाइज, ये सब कुछ था आज के इस ट्यूटोरियल में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।